रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आम व्यूवर्स का। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो। तो जी, आज का व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। मैंने आज जरा कपड़े धोने के लिए डाले थे। खैर, ये तो रोजाना का ही लेडीज का काम है, और मैं तो डे में जो है वो लाजमी एक दफा जो है मशीन को चला देती हूँ कि कपड़े होते हैं तो वो धुल जाते हैं, जो अगर हो तो, और अगर ना हो तो फिर मैं एक दो दिन के बाद ही यानी कि मशीन को लगाती हूँ। तो बस फिर उसके बाद लंच का टाइम हो गया था, और यहाँ पर आज मैंने लंच में जो है वो पालक गोश्त के पराठे बनाए थे, और साथ मैंने चिकन टिक्का के पराठे बनाए थे, क्योंकि मेरी बेटी को पालक के पराठे नहीं पसंद है, तो उसने कहा कि मुझे किसी और चीज़ का पराठा चाहिए। तो मैंने कहा चलो फिर मैं जो हूँ ना, तुम्हें मेरे पास एक दो दिन का लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था चिकन टिक्का, तो मैंने उसके उसको पराठे बना दिए। असल में बच्चे जो है ना वो इसी तरह ही नखरे करते हैं, और उनको उनकी पसंद के ही जो है ना चीज़ें ना मिले तो वो नहीं खाते, और फिर हम लोग भी डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं बच्चे नहीं खा रहे, तो फिर हम लोगों को भी दिल नहीं चाहता कि ज़्यादातर मेरे घर में जो है वो बच्चों की पसंद की चीज़ बनती है। हद तक मेरे हस्बैंड भी नहीं बताते, वो यही कहते हैं कि बच्चों से पूछ लो जो उन्होंने खाना है। तो यह है कि फिर मुझे पता होता है कि बच्चे ये चीज़ खाएंगे तो मैं उसी के मुताबिक उनको बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपने पराठे ही रेडी कर रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ रहिए, पराठा मेकिंग इंजॉय करते हैं। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक पराठे के अंदर मोजरेला चीज डाली है, और वो भी बहुत था, बहुत मजेदार बना था। तो बस हम लोगों ने जो है साथ ग्रीन है वो चटनी बना ली, उसके साथ एंजॉय किया, और फिर उसके बाद जो है खाना खाने के फौरन बाद ही मैं किचन को समेट लेती हूँ, वरना नहीं तो फिर जो है वो पड़ा रहता है सब कुछ तो नहीं होता। तो ये है कि साथ साथ मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, और बाकी दिन की सफाई करके ही मैं बाहर निकलती हूँ। तो
क्योंकि फिर शाम को अगर कोई चाय वगैरह किसी ने पीनी है या कुछ करना है, फिर उसके लिए भी अलग से तैयारी करनी होती है। तो यह है कि साथ साथ काम निपटा लिए जाएं तो फिर बर्डन कम होता है, नहीं तो सब काम इकट्ठे कर लिए जाएं तो फिर रात को जो है वो लाजमी का, तो वो नेक्स्ट डे डबल काम हो जाते हैं। तो इसलिए जिस दिन का काम है उसी दिन ही यानी कि उसको ख़त्म किया जाता है। तो बस यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा थोड़े से पराठे बच गया था पीस अदर, तो बस मैंने उसको जो है वो ऐसे रैप करके और फ्रीजर में रख दिया कि अगर किसी को ज़रूरत होगा तो वो खा लेगा। तो यहाँ पर शाम को जो है वो बच्चों ने फरमाइश की, क्योंकि आज जो है बच्चों की ही फरमाइश थी, तो फरमाइश की कि हमें डोनट चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से तुम लोगों को घर में ही बना देती हूँ। तो आप लोगों को मैंने डोनट कैसे बनाए हैं, तो मैंने 200 ml जो है वो मैंने इसमें मिल्क लिया है और 2 teaspoon जो है वो मैंने इसके अंदर ईस्ट के डाले हैं और 2 ही टेबल स्पून जो है मैंने इसमें शुगर के ऐड किए हैं और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है और 1 egg मैंने इसके अंदर ऐड किया है रूम टेम्परेचर पर। और 200 ml जो है वो मैंने इसके अंदर बटर के में ऐड बटर ऐड किया है और 500 ml जो है वो 500 ग्राम जो है सॉरी 500 ग्राम जो है वो मैंने इसके अंदर मैदे का ऐड किया है। तो बस इन सब चीज़ों को जो है वो मैं मिक्स करूँगी। ये है कि जब आप इसे यानी कि भूनेंगी तो वो एक जो है ना बिल्कुल पतली सी डो बनेगी, इतनी भी पतली नहीं होगी पर लेकिन आपको लगेगा कि हाँ पतली सी है, पर लेकिन आप उसको जब नीट करते जाएंगे तो वो जो है ना ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑयल तो है यानी कि बटर तो है, तो वो अच्छी सी होती जाएगी। और साथ साथ आप अपने हैंड को भी वॉश करते रहें ताकि जो है ना वो अच्छी सी आपकी डो जो है ना वो रेडी हो जाए। इन सब चीजों को अच्छा सा आप मिक्स कर कोई भी, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है ना इधर मैदे को ऐड करना है, एक दफा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो फिर अच्छे से जो है ना वो आपका डो जो है वो गुन जाएगी। Small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. मेरी डो जो है वो गुन के तैयार हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है और तकरीबन मैं 45 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दूंगी ताकि ये जो है थोड़ी सी इस साइज में डबल हो जाए। तो 40 से 45 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं रखना, वरना नहीं तो इसमें जो है ना ईस्ट की एक स्मेल सी रह जाएगी, तो वो जो कि अच्छी नहीं लगती है डोनट में। We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
डोनट कटर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप वैसे किसी भी जार का ढक्कन लेके और उससे भी कट कर सकते हैं। और ये जो छोटे वाला है, ये पानी की जो बोतल होती है उसका ढक्कन है, तो आप उससे भी आराम से कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कटर हो, डोनट को कट कर सकते हैं। और बस यहाँ पर जो है आपने सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है, रख देना है रेस्ट पे। फिर उसके बाद आपने इसको फ्राई करने के लिए लेके जाना है। और ये देखें, इतना मैंने इसको यानी कि बहुत हल्की आंच पे मैंने इसको फ्राई किया है, ताकि जो है ये अच्छे से जो है ना गोल्डन कलर में हो जाए। From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor, forever free. जी, तो यहाँ पर मैंने डबल क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट के साथ इसको ऐड कर लिया है, ताकि थोड़ा सा रिच फ्लेवर हो जाए, बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। और खाना तो बच्चों ने ही है, तो बस मैंने इसके अंदर थोड़ी सी व्हिप क्रीम भी ऐड कर ली है। और ये आम सी नोटेला चॉकलेट है। और आपने डरने के बाद 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप फौरन से इसके ऊपर अच्छे से यानी कि अप्लाई नहीं होगी, चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, तो आपने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है, ताकि इजीली जो है वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर जो है वो मेरे डोनट देखे कितने ही मज़ेदार बने हैं कि वो। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की ये भी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।